हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट फर्स्ट डिग्री। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हायर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, देन मैंने आपको बताया था कि कैसे हम वहां पे जो मेथड होता है सॉल्वेबल फॉर पी, उससे हम इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट, इस पहले मेरे जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सीरीज सॉल्यूशन, इन सब के वीडियोस यहाँ आई टेप पे हैं, आप प्लीज जाके देख लीजिए। प्लस मेरे जैकोबियन पे, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन और भी वैक्टर कैलकुलस, इन सभी पे मेरे जो वीडियोज लाइक मैट्रिसेस, इन पे ये भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ पे किस इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई को कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे पता पड़ रहा है, लाइक फर्स्ट मेथड जो था वो था सॉल्वेबल फॉर पी, तो लाइक वहां पे पी इज इक्वल टू समथिंग कुछ बन रहा था। अब यहाँ पे सॉल्वेबल फॉर वाई, तो मतलब वाई इज इक्वल टू, अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन बनती जिसमें वाई इज इक्वल टू हम इसको इस तरह से लिख पाए, तो उसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू जीरो इज सॉल्वेबल फॉर वाई, देन इट कैन बी रिटन एज दिस, है ना। इसको हम ऐसा अगर लिख पाए तो इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट होते हैं, सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि इसको इस मेथड से करना? तो भाइयों, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, राइट। सो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स आएगा, तो उसकी वैल्यू पी आ जाएगी। देन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स भी आएगा, पी भी आएगा और डी पी बाय डी एक्स आएगा। तो फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको क्वेश्चन से समझाना चाहूंगा किस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। लाइक हमें पास क्वेश्चन दे रखा y इक्वल टू माइनस का पी एक्स प्लस एक्स पावर फोर पी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भैया y इक्वल टू सीधा दे रखा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा मेथड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, dy बाय डी एक्स आएगा। देन यहाँ पे u इंटू v से करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो p भी है और x भी है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने x का किया, तो x का हो गया 1, देन हमने x को छोड़ा, अब करेंगे p का, तो क्या आएगा भैया, dp बाय dx आएगा, राइट। अब यहाँ देखो क्या आएगा, देखो माइनस को मैंने अंदर ले लिया, है ना। अब x पावर 4 और p स्क्वायर, तो सबसे पहले हम x पावर 4 का करेंगे तो कितना आएगा, 4x क्यूब p स्क्वायर, देन x पावर 4 को छोड़ा, तो ये कितना आएगा, 2p dp बाय dx, क्लियर। अब हमें यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, ये जो dp बाय dy बाय dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस का p माइनस का x dp बाय dx प्लस 4x क्यूब p स्क्वायर प्लस, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 2x पावर 4 dp बाय dx, क्लियर। अब इसको एक तरफ ले लीजिए, तो मैं इसको इस तरफ लिख के आ जाता हूँ, तो ये आएगा माइनस पी इधर आएगा तो 2p हो जाएगा, देन x dp बाय dx प्लस 4, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा p स्क्वायर, देन ये भी इधर आके माइनस का होगा, 2x पावर 4 dp बाय dx इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 ले लीजिए, तो ये आएगा 2p x dp बाय dx। और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा, देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, x क्यूब कॉमन आ रहा है और p भी कॉमन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2p और ये माइनस बार आ गया, तो कितना बचेगा p, देन ये बचेगा आपके पास x dp बाय dx इज इक्वल टू 0। तो देखो ये वाला फैक्टर सेम हो रहा है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो 2p x dp बाय dx इंटू 1 माइनस 2 एक्स क्यूब पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो दो फैक्टर बन रहे हैं, एक तो ये फैक्टर बन रहा है, एक ये फैक्टर बन रहा है, तो या तो क्या होगा यार, ये तो ये इज इक्वल टू 0 होगा, तो क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पी एक्स डी पी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0, और ये क्या आएगा, 1 माइनस 2 एक्स क्यूब p इज इक्वल टू 0। पर स्टूडेंट जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 2x क्यूब आएगा, है ना। और ये p की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जैसे ही p की वैल्यू उठा के यहां रखोगे आंसर तो आ जाएगा, पर इस आंसर के अंदर कांस्टेंट नहीं आएगा, और कांस्टेंट नहीं आएगा तो मतलब ये इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, ये इसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। सिंगुलर सॉल्यूशन के टॉपिक पे मैं बहुत जल्दी वीडियोस लेने वाला हूं, तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा, पर यहां पे थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे ही p की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो यहां पे कांस्टेंट नहीं आएगा, तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन देगा, ये जनरल सॉल्यूशन नहीं देगा। तो इसका मतलब इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको लेंगे, है ना। तो ये वाले फैक्टर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट यहां देखिए आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, तो मैं सबसे पहले इसको dx उधर ले लेता हूं, p इधर ले लेता हूं, तो यहां पे क्या आएगा, ये
2dx upon x plus dp upon p, मतलब वेरिएबल सेपरेट कर दिए, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 log x plus log p is equal to log c हो जाएगा, देन ये आ जाएगा आपके पास p x square is equal to c, तो p की वैल्यू आपके पास आएगी c by x square, और ये p की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे आप तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा y is equal to minus का p, p की वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पे c upon x square, then यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, p की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस का c by x square into x plus p की वैल्यू आप ये रखोगे तो ये आएगा c power 4 और ये सॉरी x power 4 और p square तो ये क्या आएगा c upon x square का whole square, तो ये आएगा y is equal to minus का ये x कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो ये आएगा c by x और ये x power 4 आएगा, इस x power 4 से x power 4 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा c square, देन आप इसको x को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा वाई एक्स माइनस का सी स्क्वायर एक्स प्लस का c इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या आएगा सॉल्यूशन आएगा, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा फिर इसको मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दिया आएगा d बाय dx इज इक्वल टू 2, मैं इसको u टू पे से करता हूं, x का क्या था 1, फिर इस x को छोड़ा इसका करेंगे तो 2x d बाय dx प्लस इसका करेंगे तो ये आएगा f डैश x p स्क्वायर, देन अब इसका होगा u टू पे से होगा, सबसे पहले x का क्या था p स्क्वायर, देन x को छोड़ा दिया जाएगा 2px राइट, नाउ इस d बाय dx की वैल्यू इसके बाद होती p, तो इसको लिखेंगे 2p देन 2x d बाय आंसर। तो मुझे लगता है स्टूडेंट मेरा जो पढ़ाया टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, सॉल्विंग द फॉर
y, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलने वाला हूँ सॉल्युबल फॉर x, और स्टूडेंट मेरे जितने भी वीडियोस लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फॉर द आपके स्कूल लेक्चर के लिए या कॉलेज में भी आप अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वो आप ही सब मेरा कंटेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरे बहुत सारे टॉपिक पे यहाँ वीडियोज अपलोडेड है, और अगर स्टूडेंट मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर दे रहे हैं सो देट की मैं आगे और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।